चलिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का जो बेसिक रूल है गाइस, वो देख लेते हैं, वो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव चेंज करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, चार पांच बेसिक रूल्स हैं, आप इसको हमेशा ही ध्यान में रखिए। जहाँ पे भी, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, आप इस रामवाण रूल को ज़रूर याद रखें। आपको ये चार जो बेसिक पॉइंट्स है वो रटना है गाइस, याद रखिएगा। जब भी हम वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छे से अभी नहीं आ रहा होगा समझ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, इसकी गारंटी है ना, आप मास्टर हो जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ये रूल नंबर वन है ना। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। गॉट इट? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। गॉट इट? तो जो ऑब्जेक्ट अब नया सब्जेक्ट बनेगा, नया जो राजा बनेगा, रानी उसी के हिसाब से। गॉट इट? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ऑलवेज यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का तीसरा रूप आपको यूज करना है, और बाई को नहीं भूलना है, बाई जी को लगाना ही लगाना है, बाई को आप भूल नहीं सकते, इनका बहुत बड़ा योगदान है। यूज बाई। मुझे पता है आपको अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, समझाऊंगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब गाइज, आपने ये चार पांच रूल्स पढ़े, जिसमें पहला रूल था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए दूसरा रूल उसमें जोड़ देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। गॉट इट? तीसरा जो रूल है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो नए राजा के हिसाब से होगा, यानी कि नया जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन वाला पार्ट यूज होगा। बाई को हम नहीं बोल सकते, बाई जी को अपने साथ रखेंगे और यूज करेंगे। ये कुछ बेसिक चार या पांच रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के क्लास में, जिसमें मैं जीरो से आपको समझा रहा था कि कैसे बहुत ही मतलब निचले स्तर से मैंने आपको इंग्लिश सिखाया था। वहाँ पे कुछ टेबल्स मैंने आपको याद करने को दिए थे, होपफुली आपको याद हो गए होंगे टेबल्स। और मैंने उनको बोला था कि आपको ये टेबल्स नरेशन और वॉइस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। याद आया? हाँ, मुझे पता है कि आपने उस टाइम पे याद किया है या नहीं किया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं उस टेबल को यहाँ फिर से अभी लिखता हूँ और आपको वो याद करना है। कौन सा? आइए, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। गॉट इट? फर्स्ट पर्सन में था आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के लोग थे। अब इनके जो रिलेटिव्स थे, आई और वी के जो रिलेटिव्स थे, जिसे पोजेशन दिखाता था, माई, आई का पोजेसिव प्रोनाउन माई, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था गाइस, मी, वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन था यू, इसका पोजेशन हम योर से दिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है यू। थर्ड जो पर्सन था उसमें था ही का पोजेशन हम हिज, और इसका जो ऑब्जेक्ट है हिम, शी, हर। उसके बाद एट, एट्स, एट, और था एक दे, देयर, देम। ये मैंने आपको टेबल दिया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में याद करने के लिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप उस बेसिक्स वाले क्लास में जाइए और इस टेबल को याद कीजिए, क्योंकि वॉइस और नरेशन इस टेबल के बिना पॉसिबल नहीं है। ये क्या था? ये सब्जेक्ट वाले जगह पे इस्तेमाल होता है, ये वाला कॉलम, ये पोजेशन दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज
माई पेन, मेरा पेन है, माई क्लास, माई कैमरा जिससे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माई कॉलर माइक, कॉलर माइक लगा के ताकि आपको आवाज़ अच्छी आए, गॉट इट, माई लैपटॉप, लैपटॉप जो कि आपको नहीं दिख रहा है ना। तो आवर, वी हम लोग, आवर हमारा, गॉट इट। उसके बाद यू तुम, एंड योर तुम्हारा, यस आप ही को जो ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ। उसके बाद ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम इट इट्स इट, गॉट इट। तो बीच वाला कॉलम पोजीशन दिखाता है और लास्ट वाला जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इस एस पी ओ को याद रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा। कैसे? देखिए, जैसे ही सब्जेक्ट में आई होगा उसको हम पैसिव वॉइस में मी में रखेंगे। किस में? आई ऑब्जेक्ट वाले जगह में, मी है ना, तो ऑब्जेक्ट बनकर मी के रूप में वहां यूज होगा। कैसे होगा? अभी आपको कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी मैं आपको सब सिखाऊंगा। और मी अगर हुआ ऑब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट के रूप में आई बनकर आएगा, सब्जेक्ट में आई बनकर आएगा। अगर हिम है तो ये इसका सब्जेक्ट ही है और ही का जो ऑब्जेक्ट है हिम है। तो अगर कोई वाक्य ही से स्टार्ट हो रहा है तो वो खत्म कैसे होगा? ये जो ही है ना, हम इसको ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में रखेंगे हिम के रूप में, और हिम वाले ऑब्जेक्ट को हम ही से बनाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस आ गए, कोई बात नहीं, बने रहिए, अभी बस सुनिए आप, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। चलिए, ये टेबल और ये चार पांच बेसिक रूल आपको याद हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो में जाइए, उसके बाद ही आप स्विच कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, चलिए हम वॉइस को विथ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अभी अभी आपको जो एग्जांपल्स बताए जाने वाले हैं उसमें डिटेल से आपने नहीं जाना है, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, टाइम वक्त आने पे अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ फ्रेमवर्क जैसे काम करता है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको वैसे ही समझाऊंगा कि कैसे ये रूल्स लागू होते हैं, कैसे ये टेबल काम आता है, और कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और एक बार जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आसान हो जाएगा गाइस, पैसिव से एक्टिव आसान हो जाएगा। वैसे वॉइस आसानी है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपने तीन एग्जांपल्स देखे हैं। एग्जांपल नंबर वन जिसमें ये कहा गया है कि ही हेल्प्स मी एक्टिव वॉइस, आई हेल्प यू अगेन एक्टिव वॉइस, शी टीचेस यू अगेन एक्टिव वॉइस। तो इस एग्जांपल नंबर वन को बनाने के लिए चलते हैं हम अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हमने जो पढ़े थे उसमें। रूल्स चार क्या मैंने आपको बताए थे? रूल नंबर वन में था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, गॉट इट। हाँ, रूल नंबर वन था कि रूल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। आइए इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट क्या है गाइस? अगर अभी भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उस बेसिक वाले क्लास में जरूर जाइए, वहाँ से क्लियर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीज़ों को स्किप कर दें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, और आप वॉइस बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले उधर जाइए अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो। चलिए, सब्जेक्ट यहाँ ही है और ऑब्जेक्ट मी है, गॉट इट, यस। ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट ही है। हमने क्या बताया आपको? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मी को सीधा उठाकर हमने इसके जगह पे रख देना है और ही को उठाकर इसके जगह पे रख देना है। लेकिन याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ पे आएगा तो ये अपने सब्जेक्ट वाले रूप में आएगा। देखते हैं इस टेबल में, मी ये ऑब्जेक्ट वाला जगह था ना, ये पोजेशन दिखाता था और ये सब्जेक्ट था, गॉट इट, यस। तो ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट वाले रूप में आएगा। सब्जेक्ट इसका रूप क्या है गाइस? आई। तो आपने रखा आई, ठीक है। अब ये एम
क्यों आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं आपको जब और भी रूल्स बताऊंगा तब उसमें पता चलेगा। आई एम हेल्प्स, आपको मैंने बताया था ना हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कहाँ गया थर्ड फॉर्म, है ना, रूल नंबर 3 में थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। गॉट इट, यस। तो आई एम हेल्प्ड, उसके बाद मैंने आपको कहा था बाई का यूज करना है तो बाई हमने लगा दिया, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने इस जगह पे रखना था तो कैसे रखना है, ही का ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट वाला रूप हिम, और इसलिए हमने यहाँ पे हिम रखा है। गॉट इट, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जब आपको रूल्स रेगुलेशन समझ में आ जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जाते हैं, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट यू है, तो पहला काम हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अगेन यू का सब्जेक्ट वाला रूप कौन सा है, यू का सब्जेक्ट वाला रूप यू ही है, इसलिए हम यहाँ यू रखेंगे। आर, क्योंकि नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नया, लेकिन क्यों कौन सा लगाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेल्प अगेन गाइज, हेल्प्ड, है ना, थर्ड फॉर्म। बाई को लाना है, आई यहाँ पे आएगा यानी कि ऑब्जेक्ट वाले जगह पे, आई का ऑब्जेक्ट वाला रूप कौन सा है, मी, तो ऑब्जेक्ट वाला रूप हमने यहाँ पे रख दिया, ये हुआ पैसिव वॉइस। गॉट इट, यू आई हेल्प यू, उसका पैसिव वॉइस यू आर हेल्प्ड बाई मी। गॉट इट, यस। एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, शी टीचेज यू, शी टीचेज यू, यू अगेन ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। गॉट इट, पहला कदम यही करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है। तो यू का सब्जेक्ट वाला रूप कौन सा है, यू ही है, तो यू आर टाउट, है ना, टीच का टाउट, वर्ब का थर्ड फॉर्म टाउट बाय हर। अब हर क्यों, देखो आप शी का जो ऑब्जेक्ट रूप है वो हर वाला रूप है। गॉट इट, तो यहाँ पे हमने हर, एच ई आर, होपफुली आपको ये विजिबल होगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, हर। तो इस तरह से एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, जो नया हेल्पिंग वर्ब आएगा वो नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, बाई को कभी नहीं भूलना है, बाई को बाय बाय नहीं करना है, यूज करना है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप होगा वो लाकर रख देना है। बहुत ही आसान है, आपको अगर अभी दिक्कत हो रहा है या अभी समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, गारंटी है बस बने रहिए, बने रहिए, पूरा ही क्रिस्टल क्लियर होगा और 50 नंबर आपको फ्री फंड में आने वाले हैं SSC CGL के मेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं।